मंडी में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न वर्ग के लगभग 100 मुकाबले खेले गए। मंडी के पडल मैदान में बैडमिंटन हॉल में 3 दिवसीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के खिलाड़ी जमकर अपनी खेल प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मंडी डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजिंग सचिव हेमंत कपूर ने बताया कि प्रतियोगिता के पहले दिन विभिन्न कैटेगरी के करीब 158 मुकाबले खेले गए, जिसमें मंडी के युवराज बेबी बॉय और गर्ल्स में भाव प्रीता ने बेबी गर्ल का खिताब जीता। और आज प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न कैटेगरी के करीब 100 मुकाबले खेले जा रहे हैं। हेमंत कपूर ने बताया कि प्रतियोगिता का समापन रविवार को होगा। आज हमारे जो फर्स्ट हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस रैंकिंग टूर्नामेंट का दूसरा दिन है और इस प्रतियोगिता में पहले दिन करीब 158 मुकाबले में भिन्न भिन्न कैटेगरी के 158 मुकाबले हुए, जिसमें से मंडी के युवराज ने बेबी बॉयज़ का खिताब अपने नाम किया और बेबी गर्ल्स में भावप्रीता मंडी की उसने खिताब जीता। और उसके बाद आज जो मुकाबले हो रहे हैं उसमें से करीब 90 और 100 के करीब मैचेस खेले जाएंगे आज में, और उसमें से भिन्न भिन्न कैटेगरी ये कैडेट बॉय से लेके मैन सिंगल वुमेन सिंगल तक तकरीबन 10 कैटेगरीज में क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के मुकाबले कुछ में हो जाएंगे और कुछ मैंस और वुमेंस के मुकाबले कल होंगे और कल समापन समारोह 2:30 बजे के करीब। इसमें जो बच्चे हैं बाहर के प्री क्वार्टर फाइनल में सोलन कांगड़ा मंडी और सिरमौर के बच्चे प्री क्वार्टर और क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं, अभी उनके मुकाबले अभी खेले जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।